एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो पिछली बार वीडियो जो है मिस हो गई थी थोड़े से पर्सनल इश्यूज के चक्कर में, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी क्योंकि अपनी ऑडियंस से हमें कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। अगर आपकी ऑडियंस आपके सुख में साथ है तो ऑफकोर्स उनको दुख में भी साथ होने का हमें वो करना चाहिए। समझ रहे होगे मेरी भावनाओं को। थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले बनाया था 20 रुपीज गोलगप्पे वर्सेस 2000 रुपीज गोलगप्पे, तो आज उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो आज मैं करने वाली हूँ 20 रुपीज के मोमोज वर्सेज 2000 रुपीज के। तो ये जो 20 रुपीज वाले मोमोज है ना, ये मैंने ना रैंडमली कहीं से लिए क्योंकि मैंने वहां से टेस्ट नहीं कर रखे थे, तो मैंने वहां से लिए हैं। तो फटाफट से आपको इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ और फिर हम इसको टेस्ट करते हैं और जल्द से जल्द अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये है हमारे 20 रुपए वाले मोमोज। ऑफ कोर्स आप 20 रुपए से यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक थैली होगी जिसमें एक और थैली। ये 20 रुपए वाले मोमोज है जो नॉर्मली मिलते हैं। ये एक मेयोनीज है और एक ये रेड सॉस चटनी है। ये 20 रुपीज वाले मोमोज की चटनी है, एवरेज है, काफ़ी कम दे रखी है। और ये मैंने 2 मोमोज ले लिए, इससे ज़्यादा क्योंकि मैं खा भी नहीं पाऊँगी। तो ये छोटे छोटे सा साइज़ है इनका, देखो 20 रुपए के हैं और एकदम छोटा छोटा सा साइज़ है। और ये पनीर मोमोज है, नॉनवेज नहीं है बिकॉज मैंने नॉनवेज छोड़ रखा है। इसलिए एक बार इसकी फिलिंग देख लो, फिलिंग नहीं है फिलिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, देख लो दिख भी नहीं रहा है। पनीर वनीर कुछ नहीं है, सिर्फ मैदा है। तो ऑफकोर्स 20 रुपए वाले मोमो से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसमें ज्यादा मतलब फीलिंग नहीं है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, किसी चीज को हमें जज नहीं करना चाहिए। तो अब फटाफट से इनको मैं करती हूँ ट्राई और इनका टेस्ट देखती हूँ कि कैसा है। तेरा हमारा 20 रुपीज वाला मोमो एंड देखने में तो सही लग रहा है। इसमें डिप करते ही डिप, इसको करती हूँ टेस्ट। अच्छा है, मतलब ना एक्चुअली ना फीलिंग बहुत ही ज़्यादा कम है और चटनी बहुत अच्छी है, फीलिंग बहुत कम है, तो ना मैदे का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। क्या कि चटनी अच्छी है बट मोमोज में सिर्फ मैदे का टेस्ट आ रहा है और किसी चीज़ का टेस्ट आ नहीं पा रहा है। तो अब हम ओपन करते हैं अपने महंगे मोमोज। तो ये एक्चुअली 2000 के मोमोज नहीं है, ऑफकोर्स 2000 के मोमोज मुझे नहीं मिले। ये हैं आपके 300 रुपीज़ के मोमोज हैं, इनको हम ट्राई करने वाले हैं। इसकी चटनी एंड चटनी ट्राई करेंगे एंड मोमोज की फिलिंग देखेंगे कि क्या 20 रुपीज से ये जीत सकते हैं क्या नहीं। तो भाई ये हमारे 200 रुपए मोमोज की पैकेजिंग, ऑफ कोर्स 200-300 वाले जितने की भी थी ये। इसके मोमो भाई साइज देखो इनका, और चटनी देखो इसमें आई और बढ़िया लग रही है यार देख रहे हैं। अब इसको फटाफट से अनपैक करती हूँ। इस मोमोज का ना साइज देखो बारी, इतने ज्यादा ह्यूज और हैवी मोमो है ये। और इसमें फिलिंग भी ऐसे, मतलब देखो मैं एक हाथ से कोशिश करती हूँ, सिर्फ ठूस ठूस के देखो इसमें फिलिंग एक्चुअल में भरी हुई है। और इतना ज़्यादा बड़ा साइज है, अगर आपको जानना है ना ये मोमोज कहाँ के हैं तो कमेंट्स में देख लेना, मैंने वहाँ लिखा हुआ है। तो भाई देख लो कसम से क्या हाल है इनका। इसकी चटनी देखो इतनी भयंकर है, मतलब लग रहा है देखने में बहुत स्पाइसी है। मैंने इनके चिकन वाले तो पहले एक बार ट्राई करे थे बट पनीर वाले फॉर द फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ। ये मोमोज देख के ना मेरा दिल ऐसा हो गया कि यार क्या है ये मोमो है, इतना बड़ा मोमो है, ये 3 मोमोज के बराबर एक मोमो बन रहा है। ये मेरा फेस भी ऐसे, इसको ट्राई करते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ इसको ट्राई करने। इसकी चटनी है भाई भयंकर चटनी है एकदम। लेट्स ट्राई इट। ये फीलिंग देखो भाई क्या मोमो है ये, मतलब फीलिंग में इतना बढ़िया टेस्ट है। देखो 20 रुपए में और 200 रुपए में ऑफकोर्स डिफरेंस आता है। 20 रुपए वाले उस हिसाब से बनते हैं 20 रुपए के हिसाब से, एंड 200-300 वाले उस हिसाब से बनते हैं 200-300 के हिसाब से। बट ये बहुत ज़्यादा, बट इसमें 6 पीसेस आए हैं और उसमें 12 पीसेस थे, तो ये डिफरेंस भी है। तो भाई देख लो 20 रुपए एंड 300 रुपए वाले मोमोज, मज़ा आ गया खा के। वो भी अच्छे थे और ये भी अच्छे, पर यार ये तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने सबसे ज़्यादा महंगे मोमोज कहाँ खाए हैं और कितने के खाए हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय।